नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई है और अब से थोड़ी देर में स्टीयरिंग कमेटी की यह बैठक होनी है। इसमें पीसीसी, सीएलपी नेता, फ्रंटल हेड इस सब बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बाहर के नेता जूम के जरिए इसमें जुड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान इस मीटिंग में शामिल होंगे, बड़ी जानकारी है। तो लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की आज रद्द कर दी गई है और उसके बाद आज स्टीयरिंग कमेटी की यह बैठक होनी है। दिल्ली में ये आपात बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। एआईसीसी की यह बैठक है, अब से थोड़ी ही देर में स्टीयरिंग कमेटी की यह बैठक होनी है। एआईसीसी के मेंबर्स मौजूद रहेंगे, इसके अलावा पीसीसी, सीएलपी नेता, फ्रंटल हेड ये सब आपात बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बाहर के जो नेता हैं उनको जूम के जरिए इस बैठक में जोड़ा जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी, ये बड़ी जानकारी है। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान इस मीटिंग में शामिल होंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद आज कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। इस बैठक के अंदर कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति को लेकर के चर्चा करेगी। तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। इसमें सीएलपी लीडर, इसके अलावा पीसीसी से जुड़े हुए और जो नेता बाहर हैं उन सबको जूम के जरिए इसमें जोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी है, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है जिसमें ये नेता अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, जहां पर आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी तय करेगी। तो बड़ी जानकारी है, आपात बैठक है राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। हरियाणा की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान इस मीटिंग में शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।